अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, जो इसको सुने उसके पाप खत्म हो जाते हैं। किसी ने पूछा, महाराज सुनने से पहले आपने कहा है कि भाग्य उदयन बहुजन समर्जितेन, इसको सुनने के लिए कई जन्मों का जब भाग्य उदय होते हैं तब इस कथा को सुनने का मौका मिलता है। तो महाराज इस कथा को सुनने के लिए तो बहुत पुण्य चाहिए। हम कलयुग के प्राणी, इसे कोई हो बड़ा धर्मात्मा वो सुन सके, हम कैसे सुन सकते हैं महाराज? व्यास जी ने कहा सेवना श्रवणात् पाठ, कोई बात नहीं पाठ कर लेना। बोले महाराज हमको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, पाठ कैसे करें? बोले दर्शनात् पापनाशिनी, कम से कम भागवत जी के दर्शन कराना, उसी से तुम्हारे पाप ताप संता सब के सब खत्म हो जाए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। वैसे तो 3 महात्म्य श्रीमद् भागवत महापुराण में है, एक प्रारंभ में, एक मध्य में और एक अंत में। तो आए अब अपनी कथा को प्रारंभ करें। व्यास जी ने कथा प्रारंभ से पहले आप लोग समझ सकें ये कथा कैसी है, क्योंकि अगर हमें किसी के बारे में पता नहीं तो कथा, भाई जब उसकी कथा पता नहीं तो प्रेम नहीं है। ध्यान से सुनना, एक दृष्टांत देते हैं आप। जैसे मानो आप लोग ट्रेन का सफर कर रहे हैं, ट्रेन का सफर किया होगा आप लोगों ने, तो ट्रेन का सफर कर रहे हैं, बगल में कोई बैठा हो और उससे कहें भैया हमारा बैग पकड़ना, हम न्यूज़पेपर लेकर आते हैं, दोगे उसको बैग? दोगे कि नहीं? नहीं देंगे, पता नहीं है कहाँ का है, बैग लेकर भाग जाए तो, इसीलिए उसे हम बैग नहीं दे। भाई कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति हो, वैसे कोई अपना बैग नहीं दे। इसीलिए जिसके बारे में पता नहीं होता उससे प्रेम भी नहीं होता। इसीलिए पहले पता करना पड़ेगा व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और व्यक्ति का आचरण कैसा है। इन चीज ये सब बातें जब पता चलेंगी तभी उस व्यक्ति से प्रेम होगा। तो पहले पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य का वर्णित हुआ है, तो 6 अध्यायों में वर्णित महात्म्य आज तो महात्म्य की कथा होगी जो पद्म पुराण अंतर्गत है। कल से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हो जाएगा। पहले तो व्यास जी ने पहले श्लोक में प्रणाम किया भगवान को, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्या दिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः।
व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय भगवान का नाम बतलाया। किसी से जान पहचान करानी हो तो पहले कहते हैं ये इनका नाम ये। इसलिए व्यास जी हम सब लोग की जान पहचान किससे करा रहे हैं? भगवान से करा रहे हैं। तो पहले नाम बताया सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम सच्चिदानंद। बोले मतलब नाम का तात्पर्य होना चाहिए। नाम है ठीक है पर मतलब क्या है इसका? तो बोले सत चित और आनंद सच्चिदानंद। बोले फिर पूछा इनकी भी व्याख्या करें तो बोले सत्य मतलब सत्य और सत्य को बतलाने की आवश्यकता नहीं, सत्य सबको पता है और सबको अच्छा लगता है। भगवान का एक रूप सत्य बताया गया है। इसलिए आज समाज में कई लोग कहते हैं हम लोग नास्तिक, कहते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं मानते, हम लोग तो नास्तिक। पर लेकिन देखा जाए तो कोई नास्तिक नहीं, सब आस्तिक है। वो इसलिए कि भगवान का एक रूप सत्य बतलाया गया है और सत्य सबको अच्छा लगता है। कोई है जिसको झूठ अच्छा लगता है? दूसरे से भले ही हम लोग झूठ बोलें पर यही चाहते हैं हमसे सब लोग सत्य बोले। चोर लोग दिन भर चोरी करते हैं और शाम को जब उसका बंटवारा करते हैं तो कहते हैं भाई अब सत्यता पूर्ण होकर बराबर बंटवारा होना चाहिए। यानी अपने के लिए कोई झूठ नहीं चाहता, सब लोग हर जीव के हृदय में सत्य की ही चाहत है। यानी हर व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है। जो पहले भी थे, जब हम नहीं थे तब भी वो थे, हम हैं अभी भी वो है, और जब हम लोग नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता। दूसरे बोले चित, चित मतलब बोले प्रकाश। अभी अगर रात हो जावे, सूर्य नारायण भगवान छिप जाए और ऊपर से लाइट भी बंद हो जाए तो कथा कैसे होगी? इसलिए हमको प्रकाश की आवश्यकता है, हमको प्रकाश चाहिए। पर लेकिन भगवान को प्रकाश की क्या आवश्यकता हो सकती है? जिनके दो नेत्र सूर्य और चंद्रमा, उनको प्रकाश की कोई आवश्यकता है क्या? मत भयात्वातिवाय तोयम। भगवान कपिल देव अपनी माता को ज्ञान देते समय तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण के कहते हैं माँ मत भया वाति वातोयम सूर्य स्तपति मत भया। माँ मेरे ही भय से ये जो सूर्य है ना ये तपता है, मेरे ही भय से इंद्र वर्षा करता है। इसलिए भगवान जिनके दो नेत्र सूर्य और चंद्रमा है उन्हें प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं। जीव को जीव में सामर्थ्य नहीं फिर भी आवश्यकताएं हैं, और ब्रह्म के पास सामर्थ्य है पर उनको आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम चित भी है। तीसरा कहते हैं आनंद। वर्णन किया जाए तो भगवान की ना कोई कथा का वर्णन कर सकता है, क्योंकि तुलसी बाबा ने रामचरित्र को लिखा उसमें भी कहा भगवान का भी कोई वर्णन कर सकता है क्या? हरि अनंत हरि कथा अनंता। तुलसी बाबा रामचरित्र में कहते हैं, रामचरित्र मानस में बोले भगवान का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। भगवान वर्णन का विषय नहीं, भगवान समझने का विषय है। अंतिम नाम है भगवान का आनंद। और आनंद तो सबको ही जानते हैं भाई, हमारी माताओं को मीठा बहुत अच्छा लगता है, कोई हो जिन्हें खट्टा भी अच्छा लगता है,
पर वैसे लगभग सब लोगों को मीठा अच्छा लगता। तो तभी तो पता चलेगा कोई सोया तो नहीं। इसीलिए जोर से बोलेंगे, जब मिठाई हाथ में थी तो उसका स्वाद था नहीं था भी, हाथ में जब जीभ पर जाएगी तब स्वाद आएगा, और जब पेट में चली गई तब स्वाद आया, तब भी स्वाद नहीं। उसका स्वाद तब तक था जब तक वो रसना जीभ पर रखी हुई थी। पहले भी स्वाद नहीं और अंत में भी स्वाद नहीं। इसीलिए ये एक क्षणिक मात्र का मजा है। आनंद तो मीरा को था एक बार जो पा लिया, जीवन भर मीरा हरिगुण गाने लगी। इसीलिए मीराबाई के जीवन में आनंद था। और आप लोगों को तो पता ही है, आपने बहुत भजन सुना होगा। जब कन्हैया का जन्म हुआ प्रागट्य मथुरा में, और आए कहाँ, वृंदावन से होते हुए गोकुल पहुंचे, तो गोकुल में सब लोगों ने बधाई गाई। पता है आप लोगों को क्या गाई? नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद लेकिन उन्होंने कहा नंद घरा आनंद भयो, इसलिए भगवान आनंद स्वरूप है। इन नंदोत्सव को हम चौथे दिन मनाएंगे कृष्ण जन्म। इसीलिए भगवान आनंदमय है, सच चित और आनंद। कई लोग नाम बहुत बड़ा रख लेते हैं, काम कुछ नहीं करते। नाम इतना बड़ा रख लेते हैं पर काम नहीं करते, काम करने में बड़ा आलस करते। तो भाई काम भी करते हैं या बस नाम ही रखा? बोले काम भी करते हैं। क्या काम करते हैं? विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और श्रृंगार का काम करते हैं। इतने बड़े विश्व को भोजन करा रहे हैं भगवान। हमारे घर पर तो 5-6 मेहमान आ जाते हैं, उन्हीं को भोजन कराने में बड़ी परेशानी हो जाती है, पर लेकिन भगवान हम सबको दे रहे हैं। इसीलिए इतना बड़ा जिम्मेदारी है भगवान का। भक्त तो भगवान से कहते हैं, प्रभु जब दांत न थे तो दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी दे दो। भाई जब दांत नहीं थे तब उन्होंने दूध की व्यवस्था की, और अब जब दांत दिए हैं तो कुछ खाने की व्यवस्था भी तो करी होगी हमारे लिए। इसलिए भगवान सबको देते हैं। इसलिए बहुत बड़ा कार्य है भगवान के पास। दूसरा कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। किसी ने पूछा, महाराज नाम भी बड़ा है, काम भी बहुत करते हैं, पर अगर हम इनकी सेवा पूजा करेंगे तो हमको भी कुछ देंगे क्या? सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई वैभव चाहता है, कोई मान प्रतिष्ठा चाहता है। सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं भगवान से। इसलिए अगर भक्ति करनी है तो निष्काम होकर करो। निष्काम भक्ति व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, पर आज व्यक्ति के अंदर निष्काम भक्ति बहुत कम हो गई।
सब कुछ ना कुछ चाहते ही हैं भगवान से, ये चाहते हैं थोड़ा देकर हमें ज्यादा मिले। भाई अगर हम भगवान को 10 रुपए चढ़ाएंगे तो हे भगवान हमें 1,00,000 रुपए दे देंगे। इसीलिए हम लोग अगर भगवान की सेवा भी करते हैं उससे भी कुछ ना कुछ मन में लालसा होती है, जब ये मिलेगा भगवान आपका व्रत करती रहेंगी। अगर ये बात पूरी हुई तो देखो 16 सोमवार का व्रत करें, हमारी माताएं भी व्रत करती, हमारे भाई लोग मंगलवार का व्रत करते। इसलिए व्यक्ति के अंदर निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और निष्काम भक्ति सीखनी है तो प्रहलाद से सीखो। भगवान ने पुराणों में अपने 12 भक्त मुख्य बतलाए, और वो 12 में ध्रुव जी का नाम नहीं है, ध्यान से सुनना, किसका नाम नहीं है? ध्रुव जी का नाम है। और ध्रुव जी के बराबर कोई भक्त था? नहीं था। और नाम नहीं है, किसी ने पूछा नाम क्यों नहीं, क्योंकि नाम है स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैया सकिर्वयम्। ये 12 भक्त हैं। ध्रुव जी का नाम आया कहीं? नहीं है। वो गलती जानते हो कहाँ रह गई? ध्रुव जी के मन में इच्छा थी राज गद्दी मिल जाए, इसलिए तपस्या कर रहे थे, इसीलिए नाम नहीं आया। और प्रहलाद को देखो, प्रहलाद जी महाराज जब भक्ति करते हैं नरसिंह भगवान सामने है और कहते हैं मां क्या चाहिए, पर लेकिन प्रहलाद जी ने कहा सवई भृत्या सवई वणिक, महाराज अगर मैं आपसे कुछ मांग लूं तो भक्त और भगवान का रिश्ता खत्म हो जाता है और ग्राहक और एक दुकानदार का काम शुरू हो जाता है। भाई हमने दिन भर आपके यहाँ मजदूरी की, कितनी भक्ति की, और उसके बदले में आप हमें पारिश्रमिक देते हैं, तो ये तो एक ग्राहक का काम है, हमें पारिश्रमिक नहीं चाहिए। हमें देना है तो पुरस्कार दो, पारिश्रमिक हमें नहीं चाहिए। बहुत बोलते रहे नरसिंह भगवान मांग कुछ तो मांग, जब परेशान हो गए प्रहलाद जी तो एक बात मांगी, ये प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो बस एक वरदान देना, यदि आशीष में कामान वरास्वंबर दर्शभा। ये प्रभु अगर देना ही चाहते हो केवल एक वरदान देना, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं आप गलत नहीं हो सकते, लगता है मेरे अंदर कुछ मांगने की इच्छा आ गई है, इसलिए प्रभु तभी तो आप बार बार मुझे कहते कुछ मांग कुछ मांग। तो प्रभु अगर देना ही है तो ये वरदान देना, तो जीवन में आपसे कुछ ना मांगो। अगर भगवान से मांगना है तो यही मांगो कि प्रभु हमें कुछ ना देना। इसलिए आज पर लेकिन कहा उन्हें क्या मिलेगा, बलिता पत्रय विनाशाय त्रिताप नष्ट हो जाएंगे, दैहिक दैविक और भौतिक, ये 3 ताप खत्म हो जाएंगे। दैहिक किसी को बुखार आ जाता है, दैविक देवता भी कभी परेशान कर देते हैं। अब दैहिक ताप किसको था? कुब्जा को, 3 अंग से तिरछी थी त्रिविक्रा, उसको भी ठीक किया। दैविक ताप गोकुल वासियों को थी, इंद्र से देवताओं से डुबाना चाह रहा था, उसे भी भगवान ने गोवर्धन उठाकर रोक दिया। दैहिक दैविक और भौतिक, भौतिक ताप से रक्षा की सत्यव्रत राजा की, भगवान मत्स्य भगवान बनकर आए और पीठ पर बैठाकर समुद्र में उन्हें घुमाया, यह पृथ्वी का सर्वनाश हो गया था तब। इसीलिए भगवान तीनों तापों से सुरक्षा रक्षा करते हैं, इसीलिए केवल श्री कृष्णा यवयम नमः। हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण, श्री श्री राधा रानी है, श्री सहित
श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। एक खास बात आप लोगों को और बता दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शब्द से संबोधित केवल दो लोग हुए हैं, एक श्री कृष्ण उवाचा और दूसरा श्री सुक उवाचा। बाकी सब क्या, सूत उवाचा, सोनक उवाचा, गोप्य उवाचा, सबके आगे श्री नहीं लगा, केवल श्री कृष्ण और श्री सुखदेव महाराज इन दो के आगे श्री लगा है। क्योंकि एक राधा जी के प्रिय पतिदेव है और दूसरे राधा जी के प्रिय शिष्य, इसलिए श्री शब्द से यहाँ पर श्री राधा रानी को संबोधित किया। पूरी भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं, केवल एक जगह सुखदेव जी ने संबोधित किया है, अनयाराधितो नूनम, राधा शब्द से राधा जी को स्वीकारित किया है। क्योंकि सुखदेव जी अगर एक बार राधा जी का नाम ले लेते तो 6 वर्ष की समाधि लग जाती। बेचारे परीक्षित के पास तो 7 ही दिन है और हम सब लोगों के पास भी 7 ही दिन, किसी के पास 8वां दिन है नहीं। या भाई कोई व्यक्ति सोमवार को या मंगल को या बुध को, बृहस्पति, शुक्र, शनि और फिर से रवि, इन 7 दिन में ही सबको मरना है। इसीलिए हमें लगातार 7 दिन तक भगवान की कथा सुननी है और तन मन धन से सुननी, मन लगाकर सुननी है। क्योंकि आप लोगों के बड़े पुण्य है जो आप लोगों को कथा सुनने का मौका मिला है, इसलिए आप इस अवसर को ना जाने दें, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुने। तो दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिवान तोस्मि। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया इस प्रकार, अब तो नैमिषे सूतमासीन मवीवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। इसीलिए कुशलः सौनको ब्रवीत, आज 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज बैठे हुए और सबको कथा सुना रहे। जहां पर ध्यान से सुनना, जहां पर राम कथा होती है वहां कौन आते हैं? हनुमान जी। और जहां कृष्ण कथा यानी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां कौन आते हैं? उद्धव जी। इसलिए यहां भी क्या पता किसी रूप में आए, इसलिए आप लोग ये कथा संगम है। आज ये कथा इतनी पवित्र है, बड़े बड़े देवताओं को भी इसे सुनने आना होता। तो 88,000 ऋषियों के मध्य में सौनकादिक ऋषि से घिरे हुए सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, उन्हें पुराणों की चर्चा सुनाते हैं, पुराणों की कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने से सौनकादिक ऋषियों ने भी प्रश्न किया, अज्ञान अध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे महाराज, हमारी बुद्धि में अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, अपनी बुद्धि रूपी सूर्यमय प्रकाश से इस अंधकार को ध्वस्त कीजिए और महाराज हमें भगवान की कथा सुनाइए। पूछा, कैसी कथा सुनना चाहते हो? बोले, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसी कथा सुनाओ जिससे भगवान प्राप्त हो जाए। तो सुत जी ने भी कहा, बहुत सुंदर ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। हे महाराज, काल रूपी सर्प के ग्रास हैं हम लोग। आपको पता है गुरु कौन होता?
पता है किसी को गुरु कौन है? कोई माता जी को पता कौन है गुरु? रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, गुरुम शंकर रूपिणम, गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर भगवान ही सबके गुरु है। तुलसी बाबा कहते हैं क्योंकि, अब किसी ने तुलसी जी से प्रश्न भी किया, महाराज पहला श्लोक आपने रामचरितमानस का लिखा क्या? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी और विनायक को पहले श्लोक में प्रणाम किया, दूसरे श्लोक में शिवम विश्वास रूपिणम, शिव को विश्वास माना और श्रद्धा पार्वती जी को माना, दूसरे में भी जोड़ा पहले में भी जोड़ा, लेकिन महाराज तीसरे श्लोक में आप कहते हैं गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रतो विवक्त्रोपि चंद्र सर्वत्र विन्दते। पर लेकिन तीसरे श्लोक में केवल एक गुरु शंकर को ही क्यों प्रणाम किया? महाराज इनके साथ भी किसी और को जोड़ देते। बोले गुरु के बराबर दुनिया में कोई नहीं होता, इसीलिए गुरु को अकेला ही रखा। गुरु के आचरण में ज्ञान होता है, वक्तृत्व में नहीं। गुरु उसे समझो जिसके आचरण में ज्ञान है, इसीलिए हमारे यहां गुरु को आचार्य भी कहा जाता है, जिसके आचरण में ज्ञान है। शंकर भगवान का शरीर, पूरा शरीर कुछ ना कुछ बताता है। तो आप लोगों ने किसी ने शंकर भगवान को देखा? देखा किसी ने? हमारी माताएं तो बड़ी भक्ति करती हैं, देखा किसी ने? भाई तस्वीर तो देखी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।